क्या है अक्षय तृतीय? संस्कृत शब्द अक्षय का अर्थ है अविनाशी और तृतीय का अर्थ है तीसरी तिथि। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि का दिन कुछ भी करने के लिए अत्यंत शुभ होता है, कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व युगों में घटित ये 10 प्रमुख घटनाएं ही अक्षय तृतीय की तिथि को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। पहली, श्री राम के त्रेता युग का आरंभ। दूसरी, भगवान श्री परशुराम का प्राकट्य। तीसरी, माता अन्नपूर्ण का प्राकट्य। चौथी, माता दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध। पांचवी, भगवान गणेश द्वारा महाभारत का लेखन आरंभ होना। छठी, सूर्य देव ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया जिसमें स्वयं द्रौपदी के खाने से पूर्व अन्न कभी खत्म नहीं होगा। सातवीं, भगवान शिव ने कुबेर को देवताओं का कोषाध्यक्ष का पद सौंपा था। आठवां, माता गंगा का धरती पर अवतरण। नौवां, भगवान श्री कृष्ण द्वारा द्यूत सभा में द्रौपदी का रक्षण। दसवां, भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनके मित्र तथा भक्त सुदामा की मदद। इन सभी घटनाओं को तुक्का मानने की भूल ना करें, ये सभी प्रामाणिक इतिहास तथा परम भगवान श्री कृष्ण की लीलामय योजनाएं हैं। अक्षय तृतीय की हार्दिक शुभकामनाएं। सेव एंड शेयर। हरे कृष्ण।